ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ସୋ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଆମେ ଆଣିପାରିନୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବି। ଦୁଇଥର ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ 71 କରିଥିଲେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଏଥର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। Not only for tomorrow match, we ready for finals also. But our target like match by match, हम लोग यही उम्मीद करते हैं हर मैच में मोर देन 100% देने के लिए। उससे ही वी कैन विन द वर्ल्ड कप अंडर गाइडेंस ऑफ आसिफ सर। इज हम लोगों को प्रैक्टिस में बहुत अच्छा चीज सिखाया। जो जो प्लेयर्स का माइनस है उसको प्लसेस कन्वर्ट किया। अभी हर प्लेयर ऐसा वेट कर रहा है जब उसको मौका मिला तो वो मौका को फ़ायदा उठाने के लिए एवरी प्लेयर दे आर वेटिंग। बिफोर फाइनल आई वॉन्ट ईच एंड एवरी प्लेयर शुड बी लाइक ओपनर। ऐसा होने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि कभी भी किसी को भेज सकता है। वो लोग प्लेयर्स भी ऐसा ही रेडी है। एक बार मौका मिला तो वो लोग प्रूव करने के लिए दे आर वेटिंग। बट एक्सपेशली कमिंग टू उड़ीसा वो मेरे लिए स्पेशल है। पास्ट ईयर 150 प्लस स्कोर है एक मैच में 70 प्लस स्कोर है। दिस फॉर मी स्पेशल। द सेम टाइम लोकल गाय वी हैव नकुल। टुमारो आप लोग नकुल का भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस। जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी लोकल सपोर्टर्स कम फॉरवर्ड एंड वॉच अवर क्रिकेट। यू कैन फील लाइक दिस इज मोर देन रेगुलर क्रिकेट। उससे वो लोगों से अच्छा हम लोग कमिटमेंट दिखाता है ग्राउंड में। जस्ट कम एंड वॉच एंजॉय इट। बांग्लादेश वन ऑफ द टफेस्ट टीम लाइक अभी दुनिया में गिना तो वो टफ फोर में रहता है। इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश ऐसा। इंडिया तो नंबर वन पोजीशन में क्योंकि लगातार हम लोग 4 वर्ल्ड कप्स अभी तक भी वन। बट बांग्लादेश भी हम लोग आसान से नहीं ले रहे क्योंकि देर आर मेनी न्यू प्लेयर्स टीम में है। इसलिए किसी को हम लोग कम नहीं समझ रहे। जस्ट वी आर गोइंग विथ अवर बेस्ट टीम एवरी मैच। डिपेंड्स ऑन मॉर्निंग सिचुएशन अभी तो बता नहीं सकता क्योंकि नेपाल के ऊपर हम लोग 382 रन मारे थे तो जी तो इन लोग को मतलब कठिन प्रैक्टिस से स्टार्ट किए हम कि हर रोज मॉर्निंग हम लोग 6 बजे आ रहे थे ग्राउंड और इवनिंग 6 बजे जा रहे थे। सिर्फ 3 ब्रेक्स रहता था हमको। ब्रेकफास्ट लंच और टी ब्रेक रहता था। उसी के हिसाब से फिटनेस लेवल बहुत ही देख रहे थे तो उसका जो मतलब जो एफर्ट ग्राउंड पे डाला तो असली निकल रहा है। और कल भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और वर्ल्ड कप रिटेन करते हैं 30%। ये मेरा उम्मीद है मेरे टीम के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि ओपनर से लास्ट तक हमारा बैटिंग पैकअप है। बहुत अच्छा खेल रहे हो। ऐसा नहीं बोल सकता गेंदबाजी से सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि जो 2 मैच हुआ उसके हिसाब से देखने से मतलब जो ओपनर्स हैं वही फिनिश करके आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 डाउन 2 डाउन तक जा रहे हैं। कल भी वही होगा सोचूंगा।